अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई व्यूअर्स। आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्लॉक, जो मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने एक क्लॉक रखी है जिसमें 6 बजे का समय दिख रहा है। यह समय हम कैसे देख पा रहे हैं? यह समय हम घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकेंड वाली सुई के कोऑर्डिनेशन से देख पा रहे हैं। क्लॉक पढ़ाने से पहले आपको एक विशेष बातें बताते हैं। एक घड़ी 12 बराबर भागों में बंटी होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपने देखा होगा घड़ी में कई तरह के एंगल्स बनते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पर 12 बजे बनता है, 90 डिग्री पे 3 बजे बनता है, 180 डिग्री पे 6 बजे का समय बनता है। ऐसे कई तरह के एंगल्स बनते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक क्लॉक की ओर। मैं आपको क्लॉक सिर्फ 5 रूल से सिखाऊंगा, जिसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल द रीजनिंग एरा सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। साथ ही लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए चलते हैं अपने 5 रूल्स की तरफ। पहला रूल में हम 0 डिग्री की बात करेंगे, दूसरे रूल में हम 90 डिग्री की बात करेंगे, तीसरे रूल में हम 180 डिग्री की बात करेंगे, चौथे रूल में हम डिग्री निकालना सीखेंगे, पांचवें रूल में क्लॉक के बोथ हैंड्स की दूरी के बारे में जानेंगे। यह 5 रूल केवल 2 फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए चलते हैं पहले रूल की ओर, 0 डिग्री। ओके, बिटवीन एन ओ क्लॉक एंड एन प्लस 1 o'clock, बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी टुगेदर एट 60 n/11 और 5 n± 0 इंटू 12/11 हैंड्स आर टुगेदर। एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी यदि समय n बजे का और n प्लस 1 के बीच का होगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है, चलिए समझते हैं फॉर्मूले को। n क्या है? n आप कोई भी घंटा ले सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई 2 पर है, तो n प्लस 1 क्लॉक की सुई कहां पर होगी? जो कि होगी 3 पे। तो समय अवधि कितनी है? 1 घंटे की। फॉर्मूले में आपने n हमेशा छोटी वाली संख्या को लेना है, और यानी n क्या होगा? 2। अब आप सोच रहे हैं कि 3 क्यों नहीं लेंगे? इसलिए क्योंकि आपको एक लिमिट दी गई है, आपको 3 बजे की समय एक्सीड नहीं करना है, और सारे एग्जाम में आपसे 1 घंटे के इंटरवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं 12/11 की ओर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो कि घड़ी में 5-5 मिनट के अंतर में बांटे जाते हैं, और आखिरी 5 मिनट जब पूरा होता है तो आपका आवर खत्म होता है। तो आखिरी 5 मिनट क्या है? 60। उसके पहले के 5 मिनट कौन से हैं? 55। तो 60/55 कितना होता है? 12/11। 12/11 कैसे आया? 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर हमको 12/11 मिलता है। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चंस की ओर। अब चलते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर। देखिए, एन हम क्या लेंगे? छोटी वाली संख्या 2 को, सिर्फ पहले वाला फॉर्मूला जैसे हमने यहां पे लिखा था 5 n± 0 इंटू 12/11। एन हम किसको लेंगे? 2 को। 5 × 2 कितना होता है? 10। इंटू 12/11 कितना होगा? 120/11। तो अब यहां तक हर स्टूडेंट आंसर निकाल लेता। अब इसके बाद यहां पे दिक्कत है कि मैं डिवाइड कैसे करूं। जब 120 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 आपका क्वेश्चन पे आता है, 10 आपका रिमाइंडर पे आता है, और 11 आपका डिवाइजर होता है। तो आप लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे, फिर आप रिमाइंडर लिखेंगे यहां पे, फिर आप डिवाइजर लिखेंगे यहां पे। अब लिखने के तरीके को जानते हैं। 10 integral 10/11 minute past 2, और इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? 2:10 = 10/11 minute। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, देखते हैं इस समय क्लॉक पे, ये आर वाली सुई और मिनट वाली सुई आपकी दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, और इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल।
दिस मीन्स दैट कि आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। तो अभी आपका समय कितना था, 2:10 / 10/11 मिनट, तो 2:10 हो गए, और ये 10/11 क्या है, इट इज द सेकेंड इंटरवल। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर, ऐसा कौन सा समय है जब एक घड़ी की दोनों सुइयां आपस के सहयोग से 0° का एंगल बनाए और वे एक दूसरे के ऊपर हों, यदि समय 8 और 9 के बीच का हो। तो हम फिर वही पहले की तरह फॉर्मूला यूज करेंगे, एन हम किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या 8, तो 5 × 8 कितना होता है 40 × 12/11, आंसर कितना होगा 480/11। फिर इसको एज इट इज हम जैसे डिवाइड हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे अब करेंगे, 11 को अगर 480 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में आएगा 43, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा 7। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन में क्या लिख, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन, फिर इसके बाद रिमाइंडर, फिर इसके बाद डिवाइजर। अब इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे, 43 × 7/11 मिनट past 8, 8:43 / 7/11 मिनट। चलिए देखते हैं ये समय क्लॉक में। देखिए इसमें हमारी जो मिनट वाली सुई है और आर वाली जो सुई है एक दूसरे के ऊपर है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0° का। दिस मीन्स दैट कि ये दोनों जो सुइयां हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, तभी ये स्ट्रेट लाइन में है। चलिए अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। ओके, बिटवीन एन ओ क्लॉक एंड एन प्लस वन ओ क्लॉक बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक अ राइट एंगल एट 5 and ± 15 × 12/11 मिनट past n। एन वही पिछली बार की तरह आर की छोटी वाली संख्या लेंगे, और 15 इसलिए हम प्लस माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक घंटे में 2 बार 90° का एंगल बनता है, जैसे कि 4:38 पर बनता है और 4:05 पर 90° का एंगल बनता है। 4 और 38, आप मानिए 4 जो आर वाली सुई है वो मिनट वाली सुई, और 38 क्या है, ये भी आपकी मिनट वाली सुई, तो इनके बीच का इंटरवल कितने का है, 15 मिनट्स का। तो इसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं, 15। तो ऐसी एक चीज आपने और भी देखी होगी कि एक बार पूरी घड़ी में आर से ज्यादा बनता है समय 15 मिनट ज्यादा, और आर से कम बनता है 15 मिनट। तो हम क्या करते हैं, हमें एक बार प्लस करना पड़ता है, एक बार माइनस करना पड़ता है। चलिए चलते हैं एक सवाल की ओर। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल, एन हम क्या लेंगे, वही पिछली बार की तरह 4 5 and ± 15 × 12/11, 5 × 4 कितना हुआ 20। अब हम एक जगह हमने प्लस किया, एक जगह हमने माइनस किया, प्लस 15 कितना हुआ 35 × 12/11 कितना हुआ 420/11। अब हम इसको जब हम आंसर में देखेंगे तो हमारा आंसर हमारे लिखेंगे हम कैसे, 38 × 2/11 मिनट past 4, और हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, 4:38 / 2/11 मिनट। चलिए चलते हैं ये समय देखते हैं क्लॉक पर। आपका समय कुछ इस तरह से दर्शेगा, देखते हैं समय, आर वाली सुई आपकी 4 और 5 के बीच में है, और मिनट वाली सुई आपकी 7 और 8 के बीच में है। 40 हमारा यहाँ पे होता है, 40 मिनट इधर पे पूरे होते हैं, 39 इधर पे होगा, 38 इधर पे होगा, हमारा क्वेश्चन ऐसे पूरा फुलफिल होगा। अब माइनस वाले केस के बारे में जानते हैं। अब 20 - 15 जब हमने किया तो हमारा आंसर कितना आया 5 × 12/11 कितना होता है 60/11। अब जब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 × 5/11 मिनट past 4, और इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे 4:05 / 5/11 मिनट। चलिए चलते हैं ये समय देखते हैं क्लॉक पे। देखिए इसमें कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 15 मिनट का, 5, 10, 15, इसलिए हम इसमें प्लस माइनस 15 कर रहे हैं। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था पिछले वाले पार्ट में, तो 4:38 था, तो उसमें कितना था 15 मिनट का इंटरवल उसमें भी था, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90° का एंगल बना रहा है। चलिए चलते हैं एक और सवाल की ओर। ओके, एट वॉट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock विल बी हैंड्स एट द राइट एंगल, ऐसा कौन सा समय है जब एक घड़ी की दोनों सुइयां आपस के संयोग से 90° का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, जब समय आपका 6 से 7 के बीच का हो। तो एन आप क्या लेंगे 6, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, 30 इंटू
13 माइनस 15 कितना हुआ हमारा 15 इंटू 12 बाय 11 कितना हुआ 180 बाय 11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 16 इंटीग्रल 4 बाय 11 मिनट पास्ट 6। और इसको जब हिंदी में बोलेंगे तो कितना आएगा 6:16 / 4/11। चलिए चलते हैं ये समय देखते हैं क्लॉक पे। देखिए ये समय आपका कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा। अब जब हम इसको देखेंगे प्लस वाले केस में तो हमने क्या किया 5 × 6 कितना होता है हमारा 30 प्लस 15 किया हमारा कितना आया 45 45 × 12 कितना होता है 540 अपॉन में 11 किया फिर से हमने डिवाइड किया हमारा आंसर कितना आया 49 इंटीग्रल 1/11 मिनट पास्ट 6। अब हम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे 6:49 / 1/11। चलिए देखते हैं ये समय क्लॉक पर। देखिए आपका समय कुछ यूं हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, आर वाली सुई 6 और 7 के बीच में है और मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पे 50 होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे कितना हुआ 49, यहाँ पे आपकी सुई है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का एंगल। ओके अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट द राइट एंगल। एन हम क्या लेंगे 1 और फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एक जगह माइनस का एक जगह प्लस का। अब 5 and -15 इंटू 12/11 क्या किया 1 हमारा क्या है n, तो 5 - 15 अरे ये तो नेगेटिव में हो गया। क्या क्लॉक कभी नेगेटिव में चलती है, क्या आर कभी नेगेटिव में आता है, तो इसका मतलब क्या है ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले की यही अच्छी बात है कि अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो ये 60 से ज्यादा दे देगा या गलत आ रहा है तो ये अपने आप नेगेटिव प्रॉम्प्ट कर देगा, तो मतलब क्वेश्चन हमारा सही होना ही होना है, गलत होने की संभावना है ही नहीं। अब प्लस वाले केस में देखते हैं 5 × 1 कितना होता है 5 प्लस 15 कितना हुआ 20 20 × 12/11 कितना होता है 240/11। अब हमने जब इसको डिवाइड करके देखा तो हमारा आंसर कितना आएगा 21 × 9/11 मिनट पास्ट 1 1:21 / 9/11। चलिए देखते हैं ये समय क्लॉक में। देखिए आपका समय कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होगा। देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आर वाली सुई आपकी 1 पे है और मिनट वाली सुई आपकी 4 से थोड़ी सी आगे, 4 मतलब 20 मिनट से थोड़ी सी आगे मतलब 21 मिनट पे है, 90 डिग्री का कोण यू प्रदर्शित हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे रूल 180 डिग्री वाले रूल की। ओके रूल 3 बिटवीन एन ओ क्लॉक एंड एन प्लस 1 ओ क्लॉक Both the hands of the clock will be in the same straight line but not together at 5 and -13 to 12/11 minute past n when n is greater than 6, 5 and +13 to 12/11 minute past n when n is smaller than 6। एक घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा पर होंगी मगर एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी। तो इसमें आप देख रहे हैं n is greater than 6 है, जब आपकी R वाली सुई 6 से बड़ी होगी तब आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और जब R वाली सुई आपकी प्लस 6 से होगी तो आप क्या यूज करेंगे माइनस वाला फॉर्मूला और जब ये 6 से छोटी होगी तो आप क्या यूज करेंगे प्लस वाला फॉर्मूला। चलिए समझते हैं ये रूल एक क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए एट व्हाट टाइम Between 3 and 4 o'clock, will the hands of the clock will be in the same straight line but not together? हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा हमें समय ज्ञात करके बताइए जब हमारी एक घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो मगर एक दूसरे के ऊपर ना हो। तो n हम वही पिछली बार की तरह क्या लेंगे 3, लेकिन ये 6 से छोटा है तो हम इसमें क्या लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। तो 5 and +30 हमारा कितना होता है 5 × 3 = 15, 15 + 30 कितना हुआ 40 45 × 12/11 कितना हुआ 540/11। तो आंसर हमारा जब हमने डिवाइड करके हमने क्या निकाला 49 × 1/11 मिनट पास्ट 3। तो हम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे 3:49 / 1/11 मिनट। चलिए आपको यह समय दिखाते हैं क्लॉक पे। देखिए ये आपका समय बन रहा है क्लॉक पे 3:49। तो ये क्या है 180 डिग्री का कोण बन रहा है, आर वाली सुई आपकी कहां है 3 और 4 के बीच में है और मिनट वाली सुई कहां है आपकी 9 और 10 के बीच में। ये कितने डिग्री का एंगल है ये दोस्तों ध्यान से देखिए 180 डिग्री का एंगल है, ये सेम स्ट्रेट लाइन है मगर एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ठीक है चलिए ये रूल एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ओके
At what time between 9 and 10 o'clock the hands of the clock will be in the same straight line? N हम क्या लेंगे? 9. सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे. लेकिन 6 से बड़ा है हमारा 9, तो हम क्या करेंगे? माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो 5 into 9 कितना होता है? 45. 45 minus 30 कितना हुआ? 15. 15 into 12 by 11 कितना होता है? 180 by 11. तो जब हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 16 इंटीग्रल 4 by 11 मिनट पास्ट 9. 9 बजकर 16 सहित 4 बटे 11 मिनट. आपको दिखाते हैं इस समय क्लॉक पर. ये देखिए आपका समय, ये क्या है? 9 बजकर 16 मिनट. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का. और ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है. अच्छा एक चीज हम मैं आपसे पूछते हैं, अगर मेरा समय 6 से 7 के बीच में है तो मैं माइनस लूंगा कि प्लस लूंगा? घबराइए मत, मैं आपको समझाता हूं यही क्वेश्चन के माध्यम से. देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 एंड 7 ओ'क्लॉक विल बी द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द सेम स्ट्रेट लाइन. ऐसा कौन सा समय है जब एक घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो मगर एक दूसरे के ऊपर ना हो? तो n क्या लेंगे? 6. अब 5n minus 30 वाला मैंने फॉर्मूला लगाया into 12 by 11. तो 5 into 6 क्या होता है? 30. 30 minus 30 0. अरे ये क्या है? ये घबराने की बात नहीं है, ये 0 आपका आंसर सही है. तो आपने दरअसल देखा होगा कि 6 बजे कौन सा समय बचता है? 180 डिग्री का कोण बनता है और सेम स्ट्रेट लाइन में होती है, तो फॉर्मूला हमारा कौन सा लगेगा? माइनस वाला. तो हमारा आंसर क्या है? ये करेक्ट. और अगर हम प्लस वाला लगाते तो हमारा कौन सा हमारा टाइम बनता? 7 5 का. तो हमने वो तो हमारा लिमिट के आगे चला गया, तो हम क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं. तो हमारा माइनस वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है. ओके, चौथे और पांचवे रूल समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल द रीजनिंग एरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.